हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी प्लांट्स कैसे आपको आप घर पे उगाएंगे इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। कैसे इसको स्प्राउटिंग करेंगे, कैसे इसको देखभाल करेंगे, कौन सा सॉइल इसके लिए बेहतर है, ये सारे जानकारी जो है मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरा वीडियो पे, मेरा वीडियो आखिर तक देखिए, और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप उसको तुरंत देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये हल्दी जो टर्मरिक बोल के जाना जाता है, इंग्लिश नेम टर्मरिक है और हल्दी ऐसे हिंदी है, तो हम इस हल्दी का जो व्यवहार है, जो यूजेस हैं, ये तो हम सारे जानते ही हैं कि इसका कुकिंग में बहुत मतलब कहना काम आता है। इसके साथ साथ इसका जो इसको जो औषधीय गुणवत्ता है वो भी लगभग सभी जानते हैं। इसको कैसे उगाते हैं इसके बारे में हम आपको मैं बताएंगे, कैसे इसको स्प्राउटिंग करेंगे। ये स्प्राउटेड हल्दी ये देखिए, इसका जो ये स्प्राउट हो गया, इसको दो तरीका है स्प्राउटिंग का। एक तो है आप ऐसे बाज़ार से जो ग्रीन हल्दी है, ग्रीन टर्मरिक जो है उसको लेके आइए, और थोड़ा सा हेल्दी वाला जो है, थोड़ा सा इसको जो है 1-1.5 इंच काट काट के इसको क्या करेंगे, दो तरीका मैं बताता हूँ। एक तो है आप इसको एक रुमाल जैसा एक तौलिया लीजिए, तावेल लीजिए, और इसको अच्छी तरह धो के 1.5 इंच की हिसाब से आप काट के इसको अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद उस जो तावेल है उस तावेल को भिगोना है, भिगो के उसके अंदर मतलब ये जो हल्दी आपने काट के रखा है उसको डालना है, और बीच बीच में मतलब 1-2 दिन में बीच बीच में इसको पानी भी देना है, स्प्रिंकल करना है, ताकि वो तौलिया सूख ना जाए। तो आप 5-6 दिन के बाद ही आप देखेंगे इसमें से जो है ये स्प्राउटिंग करना शुरू कर दिया, और मतलब इसमें से ये पौधा जो है बन जाएगा। तो दोस्तों, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है इसको उगाने का, वो है आप इसको जैसे ये काट के रखा मैंने, इसको काट के आप एक गमले में किसी शेडो मतलब जो जहाँ पे छाया होता है, मतलब शेडो के नीचे छाया बिल्कुल जहाँ पे छाया है वहाँ पे मतलब कहना, आप जैसे आप देख रहे हैं जैसे ये गमले में मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर मतलब आप इसको रख दीजिए। तो आप रखने के बाद मतलब थोड़ी दिन के बाद 2-4 दिन के बाद इसको थोड़ा सा पानी दिया करें, ताकि मतलब कहना जल्दी इसको स्प्राउटिंग हो जाए। और स्प्राउटिंग के साथ साथ दोस्तों ये रूट्स भी इसमें से निकल आएगा, तो वो भी मतलब कहना आपके लिए बढ़िया रहेगा इसको उगाने के लिए। तो दोस्तों, ये दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको मतलब 1-1.5 इंच करके काट के आप इस किसी गमले में इसको मिट्टी के ऊपर डाल के रखिए, और छाए में रख दीजिए जहाँ पे धूप ना लगे। हल्का धूप लगे तब भी चलेगा, लेकिन उस मिट्टी में जो है मॉइस्ट होना चाहिए, आपको बीच बीच में उसमें मिट्टी को पानी डालना है। तो देखेंगे 6-7 दिन 8-10 दिन के बाद मतलब 1 हफ्ते के बाद ही मतलब आपका जो है इसमें से शॉट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, वो स्प्राउटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये स्प्राउटिंग आपको बाद आपको इसको जो है मिट्टी में गाड़ना है, तो इसीलिए मैंने जो मिट्टी मतलब तैयार करके रखा, ये देखिए ये जो है मैंने ये तैयार करके रखा। बहुत ही आसान है दोस्तों इसको उगाने का, कुछ भी नहीं है ये। आप जब भी इसका स्प्राउटिंग हो गया, इसका देखिए साथ साथ इसका जो रूट्स भी है ये देख रहे हैं, इसका जो रूट्स है ये भी निकल गया, तो इसको जस्ट जमीन पे डालना है और ये मतलब ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं इस मिट्टी की बात करता हूँ। पहले ये जो मिट्टी है इसके लिए ये वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस कटोरी का मैं हिसाब से बताता हूँ। ये 40-30-30 मैंने 40:30:30 40 गार्डन सॉइल, 30 गोबर की खाद, और 30 सैंड। तो ये सैंडी सॉइल होना चाहिए इसके लिए, तो इसीलिए 40-30-30 रेशियो में इस सॉइल को तैयार किया और इसको मतलब उगाने के लिए। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसको जस्ट आप इसको उंगली से ऐसे करके इसको मिट्टी को हटाइए और इसको ऐसे डाल दीजिए,
और मिट्टी को जस्ट हल्का करके इसको ऊपर से ढक दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है, ये देखिए इसका जो रूट्स है बिल्कुल निकल आया है। आप इसको थोड़ा सा मतलब क्या ना, इसको ज़मीन को थोड़ा सा, ये मिट्टी को थोड़ा सा हटाइए ऐसे करके, और इसको ऐसे डाल दीजिए आराम से, और साइड से इसको मिट्टी ढक दीजिए। तो दोस्तों ऐसे मतलब कहना बहुत आसान है। ये हल्दी जो है बहुत सारा मतलब कहना, आप इसको कच्चा भी इसको काम आता है, और अगर आपको हल्दी मतलब कहना पाउडर चाहिए तो फिर इसको जो है आपको निकालने के बाद ये जब पक जाता है, मतलब ये जो जब इसको हार्वेस्ट करते हैं उगाते हैं सॉरी निकालते हैं, तब इसको जाके मतलब कहना उसको पानी में उबाल के फिर उसको सुखाते हैं, फिर मतलब कहना जो है हल्दी पाउडर तैयार करते हैं। सैंडी सॉइल इसके लिए चाहिए, और उसके बाद ये मतलब आपको उगाना है अप्रैल महीने में, और स्प्राउटिंग अप्रैल महीने में करके मतलब 6-7 दिन में अगर स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद इसको जो ज़मीन पे डालना है, मतलब इसमें गमले में डालना है, या तो अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर ज़मीन में भी आप इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके लिए ये ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, दिन में अगर 2-3 घंटा भी धूप इसको लग जाएगा तो बहुत है, और इसको रेनी सीज़न बहुत अच्छा है, तो बरसात मतलब जैसे प्री मानसून होता है उसके जैसे ही बारिश शुरू हो जाता है तो इसका जो निखार है, इसका जो ग्रोथ है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इसका ग्रोथ किया है। तो दोस्तों ये कम से कम आपको 7-8 महीना लगता है इसका ग्रो होने में, क्योंकि इसका जो हल्दी है मतलब हल्दी जो है इसका रूट्स के मतलब इसके ज़मीन के अंदर ही रूट्स में होता है, तो इसलिए आप जो है जो पॉट लेंगे वो चौड़ाई वाला जो अगर पॉट होगा तो अच्छा है, अगर ज़्यादा करके ग्रो करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, अगर कम ग्रो करेंगे तो कम होगा। तो जैसे इस पॉट में 4-5 मतलब दाना, या तो 3 दाना सही था तो मैंने 4 डाल दिया, तो इतना बड़ा होने से थोड़ा सा 4 भी मतलब 5-6 भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें मैंने 4 डाला था तो दूसरा भी मतलब एक आ गया भी बाद में, तो इसलिए ये जो है आप मतलब कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर महीना में जाके जैसे देखेंगे आपका जो पौधा है ये सूखने लगा है, तो फिर आपको समझना है कि ये ग्रो हो गया, अच्छा हल्दी है वो नीचे ग्रो हो गया, तो उसके बाद उसको निकालना है, और आप उसको मतलब कहना आप जैसे हिसाब से आपको आपको काम पे आता है उसी काम पे आप लगाइए। कच्चा हल्दी ऐसे खाने से बहुत अच्छा है, मतलब सुबह सुबह कच्चा हल्दी और थोड़ा सा जगेरी के साथ, मतलब अगर डेली एक टुकड़ा कच्चा हल्दी और जगेरी अगर आप खाएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है और पेट का जो बीमारी है वो बहुत सारा मतलब कहना इसमें इसका जो है बेनिफिट्स है, इसमें बहुत मतलब इसका फ़ायदा होता है। तो दोस्तों हल्दी का जो फ़ायदा है ये तो बहुत ही है, इसलिए घर पे उगाने का आसान तरीका मैं आपको बताया, आप भी उगाइए घर पे, और इसका जो यूजेस है आप इसको यूज़ कीजिए। बाज़ार में आप मतलब कहना आप तो खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेहनत करके आप बहुत सारा जो है आप हल्दी आपको मिल सकता है, और अच्छा मतलब जो है हल्दी मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।